दोस्तों, अगर आप लोगों का बजट 20 से 25,000 रुपए है तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। दोस्तों, जो दो स्मार्टफोन्स अभी आ रहे हैं ना इंडिया में, काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है। ये दोनों स्मार्टफोन्स दोस्तों 18 से 25,000 रुपए के बीच में होने चाहिए और यहाँ पे दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन्स की सारी स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही कवर करवाऊंगा। और दोस्तों, जो दो स्मार्टफोन्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है सैमसंग गैलेक्सी M51 और पोको X3। दोस्तों, जो सैमसंग गैलेक्सी M51 है वो इंडिया में लॉन्च होगा September 10th को, और दोस्तों जो पोको X3 है वो दोस्तों ग्लोबल लॉन्च हो रहा है उसका September 6th को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये फोन बताया जा रहा है कि जल्द ही इंडिया में आएगा और होपफुली इसी महीने में देखने को मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे जो दोनों फोन है वो काफी एक्साइटिंग है और मैं आपको एक एक करके इनके जो फीचर्स है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 की। सैमसंग गैलेक्सी M51 में हमें देखने को मिलेगा 7000 mAh की बैटरी, जो कि अमेजिंग है। आप देखिए, जो सैमसंग की M सीरीज वाले फोन होते हैं उसमें हमें नॉर्मली जो बैटरी कैपेसिटी है वो काफी बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन इस बार सैमसंग ने अपना जो 6000 mAh बैटरी वाला रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करने वाला है, तो 25W की हमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलने वाला है जिसका मेन सेंसर 64 MP होगा। दोस्तों डिस्प्ले में हमें पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो फ्रंट कैमरा होगा वो 16 MP का होगा और साथ ही साथ दोस्तों एमोलेड स्क्रीन होने वाली है। दोस्तों मैं वीडियो को एडिट कर ही रहा था कि मुझे पता चला कि सैमसंग ने अपने अमेजॉन पेज पे ये भी रिवील कर दिया है कि इसमें हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों अभी तक के जो भी एम सीरीज वाले फ़ोन थे उसमें मैक्सिमम हमें एक्सिनोस 9611 देखने को मिलता था, जो कि अब आउटडेटेड फील होता है। लेकिन दोस्तों क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन 730G है ये अभी भी एक अच्छा प्रोसेसर है और इसकी जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अच्छी बात है कि सैमसंग ने अपना एक्सिनोस को डिच करके इसमें प्रोवाइड किया है स्नैपड्रैगन 730G। तो फोन काफी यहाँ पे बढ़िया लग रहा है और दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है जो इसकी प्राइस होने वाली है वो भी दोस्तों अंडर 25,000 होगी। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है सैमसंग काफी बढ़िया यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेकर आ जाएगा और काफी अच्छा कंपटीशन देगा अपने कॉम्पिटिटर्स को। तो ये तो दोस्तों बात होगी सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में। अब बात करते हैं पोको X3 के बारे में। दोस्तों जो पोको X3 है इसकी यहाँ पे एक अनबॉक्सिंग वीडियो लीक हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फोन देखने में काफी यूनिक लग रहा है, जो ग्रे कलर है काफी बढ़िया लग रहा है देखने को। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ पंच होल वाली डिस्प्ले होगी, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें हमें 180Hz का टच रिस्पॉन्स रेट भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों जो डिस्प्ले है वो है IPS LCD डिस्प्ले, जो कि मुझे लगता है ओके है क्योंकि इसमें हमें रिफ्रेश रेट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जनरली मैं प्रीफर करता हूँ कि एमोलेड स्क्रीन हो, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन जो है उसके कलर वाइब्रेंट होते हैं और डीप ब्लैक्स देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ठीक है, कोई हमें इसमें ऐसा कोई कंप्लेन नहीं कर रहा मैं, क्योंकि 120Hz रिफ्रेश रेट भी काफी बढ़िया है। दोस्तों बात करें पोको X3 के कैमरा की, तो क्वाड कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलेगा और मैं यहाँ पे आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ जो पोको X3 से लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं काफी बढ़िया लग रहे हैं, जो एक्सपोजर लेवल है काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है और दोस्तों जो कलर्स है वो भी अच्छे से मेंटेन्ड है। दोस्तों आप देख सकते हैं क्लाइमेट कंडीशंस थोड़ा सा हार्श है, तो लाइटिंग कंडीशंस थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उसके बावजूद पोको X3 ने यहाँ पे काफी अच्छे से लेवल को मेंटेन करके रखा है। दोस्तों बात करें अगर पोको X3 की बैटरी की, तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है 5100 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और यहाँ पे 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को भी मिलेगा, जो कि काफी एक्साइटिंग लग रहा है। और दोस्तों पोको X3 मुझे लगता है 20,000 के अराउंड लॉन्च होगा इंडिया में। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए प्रोसेसर की, तो ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है पोको X3 का, क्योंकि इसमें हमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलेगा, जो कि एक गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर है। तो सो यहाँ पे ये प्रोसेसर जस्ट लॉन्च हुआ है, 31 अगस्त को ही क्वालकॉम ने इसको अनवील किया था और ये प्रोसेसर हमें देखने को मिलने वाला है पोको X3 में। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये बिल्ड अप करते हैं 730G से, तो जो 732G है वो काफी ज्यादा सिमिलर होगा 730G से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो स्नैपड्रैगन 730G से ज्यादा है, तो जो परफॉर्मेंस होगी वो थोड़ी सी बेटर हमें जरूर से देखने को मिलेगी। तो होप करता हूँ कि ये जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करे और सारे कॉम्पिटिशन में जितने प्रोसेसर है उनको इजिली बीट कर दे। यहाँ पे मैंने आपको काफी सारी लीक्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दिया है दोनों ही फोन से रिलेटेड।
अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। मैं यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M51 के लिए, क्योंकि 7000 mAh बैटरी जस्ट अमेजिंग गाइस, जस्ट अमेजिंग। तो यहाँ पे दोस्तों आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा फोन बढ़िया लग रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो होती है खत्म दोस्तों, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।